गुड मॉर्निंग क्लास फोर, हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ सोलह खोल लीजिए। पाठ सोलह है हमारा, हम फुटबॉल का मैच। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पाठ सोलह फुटबॉल का मैच पढ़ा दिया था और आपको कहा था इसे पढ़ने के लिए। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। इसके शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखे होंगे। मैंने कहा था शब्द अर्थ कॉपी में लिख लीजिए। हमला का, आक्रमण, दल का, समूह, उत्साह का, जोश या उमंग, घृणा का, नफरत, ये शब्द अर्थ था। अब इसके अभ्यास प्रश्न पे आइए। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला है मौखिक प्रश्न। सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी, तो आप उसका उत्तर दीजिए। पहला है शिशु किस प्रकार खेलता है। शिशु अपने हाथ पैर फेंक हुए खेलता है। जिस प्रकार बच्चे शिशु जो होते हैं, छोटे से बच्चे, उसको लेटा दीजिए तो अपने हाथ पर ऐसे फेंक कर खेलता है, उसी तरह बड़े भी खेलते हैं। शिशु किस प्रकार खेलता है, अपने हाथ पैर को फेंक कर खेलता है। इस पाठ में किस खेल के बारे में बताया गया है। तो इस पाठ में फुटबॉल मैच यानी फुटबॉल के खेल के बारे में बताया गया है। फुटबॉल के खेल का जन्म किस देश में हुआ। फुटबॉल के खेल का जन्म इंग्लैंड के देश में हुआ। किस देश में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। फुटबॉल के दोनों दलों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल के दोनों दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, 11-11। फुटबॉल के दोनों दलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये हमारा मौखिक प्रश्न है, अभ्यास का मौखिक प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया। अब आइए इसके लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न लिखने के लिए आप अपनी कॉपी निकालिए, प्रश्न उत्तर हेडिंग डालिए। पाठ 16 प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है किस घटना की याद में फुटबॉल का खेल इंग्लैंड में खेला जाने लगा। किस घटना की याद में, तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा हुआ है, मैंने आंसर लिखा है। उत्तर, माना जाता है कि एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला किया। अंग्रेज सैनिकों ने इसका मुकाबला डट कर किया और युद्ध जीत लिया। युद्ध जीत लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज सैनिकों ने डेनमार्की जनरल का सिर काट दिया और उसके सिर को पैरों से गेंद की तरह मारना शुरू किया। इस घटना की याद में फुटबॉल का खेल इंग्लैंड में खेला जाने लगा। तो ये प्रश्न का उत्तर है। फिर से एक बार उत्तर पढ़ रही हूँ। माना जाता है कि एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला किया। अंग्रेज सैनिकों ने इसका मुकाबला डट कर किया और युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज सैनिकों ने डेनमार्की जनरल का सिर काट दिया और उसके सिर को पैरों से गेंद की तरह मारना शुरू किया। इस घटना की याद में फुटबॉल का खेल इंग्लैंड में खेला जाने लगा। यह प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर दो, फुटबॉल का खेल किस प्रकार शुरू किया जाता है। फुटबॉल का खेल शुरू करते समय गेंद मैदान के बीच में रखते हैं। टॉस जीतने वाला दल का खिलाड़ी गेंद को ठोकर मारता है और खेल शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर थ्री, गोल कब माना जाता है। जब किसी दल का खिलाड़ी विपक्ष दल के गोल पोस्ट के अंदर गेंद फेंकता है तो उसे गोल माना जाता है। प्रश्न नंबर फोर, किस दल के को विजयी माना जाता है। जो दल अधिक गोल करता है उसे विजयी माना जाता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया है। इस तरह से इसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे। अब आइए बुक पे। रिक्त स्थान भरो। दोनों दलों के खिलाड़ियों की पोशाक अलग अलग रंग की होती है। दोनों दलों के खिलाड़ियों की पोशाक अलग अलग रंग की होती है।
खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। खेल शुरू करते समय गेंद को मैदान के बीच में रखते हैं। खेल खेलते समय समझदारी और सहयोग की ज़रूरत होती है। फुटबॉल का खेल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति थी जो मैंने आपको करवा दिया। अब नीचे आइए, भाषा की बात क, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य बनाइए। खेल, राम को फुटबॉल का खेल बहुत अधिक पसंद है। फुटबॉल, फुटबॉल का खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। मैदान, फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। गेंद, पैरों से गेंद की तरह मारना शुरू किया। तो ये हमारे शब्द का वाक्य बनाना था जो मैंने करवा दिया। नीचे आइए, पढ़ो, समझो और लिखो। ये आपका होमवर्क है, आपको अपने से करना। जैसे खेल, खेलना, खिलाड़ी, तो ये आपको अपने से करना है। ग, दो शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा है उस योजक चिन्ह या हाइफन कहते हैं, उसे योजक चिन्ह या हाइफन कहते हैं। जैसे लंबाई चौड़ाई, अलग अलग, एक दूसरे, अपने अपने, लेटे लेटे आदि। इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द युग्म लिखें, आपको अपने से लिखना है। कला कौशल, मेरा प्रिय खेल, विषय पर निबंध लिखो। आपको मेरे प्रिय खेल के विषय पर निबंध लिखना है। जीवन कौशल, अगर आप अपनी टीम के कप्तान हैं, आप अपनी टीम का चयन किस प्रकार करेंगे? सही उत्तर चुनिए। तो इसको आपको अपने से करना है, सही उत्तर चुनना है। फुटबॉल को भारत में ज़्यादा महत्व नहीं मिल पाया है, क्यों? इस बारे में सोचो और कक्षा में चर्चा करो। चार्ट पेपर पर फुटबॉल खेलते हुए बच्चों का चित्र बनाओ और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ भी लिखो। तो ये आपका होमवर्क है, आपको चार्ट पेपर पर बनाना है। ये हमारा अभ्यास पार्ट 16 कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।